अच्छा इसको इसको पटवा के उसके बाद इसी तरीके से देश के लिए भारतीय जनता पार्टी जहर है, उनकी सोच जहर है, आरएसएस की सोच जहर है। उनमें से इस तरीके से जो लोगों के अंदर उन्होंने जहर भरा है, उन लोगों में से निकालना है जो लोग देश को गुमराह कर रहे हैं, देश को गलत रास्तों पे लेके जा रहे हैं। चलिए नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरभंगा जिला के जाले प्रखंड अंतर्गत देवरा बंदौली गांव में, और मैं आपको बता दूं आज 12 जनवरी है और आज प्रियंका गांधी का जन्मदिन भी है। प्रियंका गांधी के जन्मदिन के अवसर पर आप इनके पीछे देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो उन्होंने नारा दिया है यूपी चुनाव में, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। और आज 12 जनवरी है, प्रियंका गांधी का जन्मदिन है, और उनके जन्मदिन के अवसर पर देवरा बंदौली गांव में मोहम्मद नौशाद साहब के द्वारा, जो कि पूर्व राष्ट्रीय सचिव की युवा कांग्रेस के हैं, उनके द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम रखा गया है। और यहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और जिनको कंबल पहले कहाँ रहे। अच्छा इसको इसको बटवा के उसके बाद इसको बटवा के हमारे साथ मोहम्मद नौशाद साहब भी बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि प्रियंका गांधी के जन्मदिन के अवसर पर जिस प्रकार से कंबल वितरण का कार्यक्रम यहां पर रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे जनता से और क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रियंका गांधी की तरफ से वो जनता को, और क्या सोच को लेकर आगे बढ़ रही है कांग्रेस, खासतौर पे जाले में, बिहार में, यूपी में, उन सभी मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदुस्तान पर। धन्यवाद। आज प्रियंका गांधी जी का जन्मदिन है और ये जब से बिहार के अंदर मैंने दौरा शुरू किया है पिछले 1.5 सालों से, हमेशा आते थे तो लगातार पिछले साल भी हम लोगों ने कंबल का वितरण किया था प्रियंका जी के जन्मदिन पे, और एक इम्प्रेशन है हम लोगों की, हम लोग की एक वो लीडर है, हम उन्हें देख के कुछ सीखते हैं। और जिस तरीके से आप कोविड का वक्त हो, नोटबंदी का वक्त हो, जीएसटी का वक्त हो, चाहे जिस तरीके से वहां पे हालात पूरे देश से जब कोविड पहला दौर आया था, जिस तरीके से दूर 2,000 किलोमीटर लोग थे, वहाँ बस भेजने का काम, बहुत सारा काम उन्होंने किया। और अभी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो जिन्होंने नारा दिया, और ये नारा मैं समझता हूँ सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए ये नारा चलेगा, और हम लोग उसी को देखते हुए, और प्रियंका जी का हम लोग की बहुत बड़ी लीडर है, वो लीडर है वो जिनकी दादी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, राजीव जी ने, उनके पिताजी ने कुर्बानी दी, सोनिया गांधी जी ने अगर चाहती या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चाहते तो देश के प्रधानमंत्री 10 साल रह सकते थे, उसके बावजूद भी वो प्रधानमंत्री नहीं बने। तो ये कुर्बानियों की पार्टी है, ये कुर्बानियों के लोग हैं, और हमारा फर्ज बनता है जितने भी देश के अंदर कार्यकर्ता है, ब्लॉक लेवल पे, वार्ड लेवल पे, जिले लेवल पे, प्रदेश लेवल पे, कि तमाम लोगों को ऐसे लीडरों का जन्मदिन हो या कोई भी खुशी का ऐसा अवसर हो जो मनाना चाहिए। यूपी में जिस प्रकार से कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव में सिमट कर रहे हैं, बिहार में कहीं ना कहीं कांग्रेस की जमीन सक सी गई है, उसको वापस ट्रैक पर लाने के लिए आप कार्यकर्ता किस प्रकार से काम? देखिए संगठन कमजोर है, हम लोग मानते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है, संगठन कमजोर है, संगठन को मजबूत करने के लिए हम लड़ाई एक तो फिरकापरस्त से लड़ रहे हैं, झूठ से लड़ रहे हैं, फ्रेब से लड़ रहे हैं, मीडिया के जो दोगले मीडिया वाले हैं, जो दलाल मीडिया है, उन लोगों से हम लड़ रहे हैं, और पैसे से लड़ रहे हैं, उनके तंत्र ईडी से लड़ रहे हैं, पुलिस से लड़ रहे हैं, सीबीआई से लड़ रहे हैं, कोर्ट से, जिस तरीके से कोर्ट को डायरेक्शन देते हैं तुषार मेहता, और हम लोगों ने लगातार उनके पॉलिटिकल तंत्र जो उनके शासन और प्रशासन से लड़ रहे हैं। तो वक्त लगता है, कोई भी चीज़ों को मजबूत करने में वक्त लगता है, और आने वाले वक्त में हम लोग बहुत मजबूत होंगे। जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ ना कि मुखर होकर जिस तरीके से राहुल गांधी सत्ते का मुकाबला कर रहे हैं और प्रियंका गांधी जो मुकाबला कर रही हैं, आने वाले वक्त में फिर से कांग्रेस लौट के आएगी, बिहार में भी लौटेगी और पूरे देश में भी लौटेगी। प्रियंका गांधी के जन्मदिन के अवसर पर क्या कहेंगे आप? देखिए प्रियंका गांधी जी की जन्मदिन पर सबसे पहले तो मैं उनके जन्मदिन का मुबारकबाद देना चाहता हूं, और आज जो प्रियंका जी के जन्मदिन के अवसर पर हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री नौशाद साहब ने जो गरीबों के बीच, निर्सहायकों के बीच जो कंबल वितरण करके जो कांग्रेस का मूल उद्देश्य रहा है, और कि कांग्रेस के जितने भी बड़े से बड़े नेता हैं गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, सबों की सहायता करती है,
आज का जो ये कार्यक्रम प्रियंका जी के जन्मदिन के अवसर पर जो हुआ है, मैं प्रियंका जी के साथ साथ नौशाद बाबू का भी दरभंगा जिला कांग्रेस परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जिस तरह से इन्होंने उत्साह वर्ग के गरीबों की सहायता की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? सीताराम चौधरी, अध्यक्ष दरभंगा जिला कांग्रेस।